पिछला हफ्ता शेयर बाजार के लिए शानदार रहा। 4 जून को आई गिरावट को अगर नजरअंदाज करें तो बाकी बचे 4 दिन में निवेशकों ने इसमें ताबड़तोड़ कमाई की। इस दौरान स्टॉक मार्केट के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स की टॉप 10 वैल्यूएबल कंपनियों में से 8 का मार्केट कैपिटलाइजेशन संयुक्त रूप से 3.28 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया। मगर पिछले हफ्ते कौन सी कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं ईशा मालवी और आप देख रहे हैं पिस्तक। पिछले हफ्ते सेंसेक्स की जिन 8 कंपनियों की मार्केट वैल्यू बढ़ी, उनमें टॉप पर टाटा ग्रुप की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज रही। TCS ने अपने निवेशकों को शानदार कमाई करवाई। इस कंपनी में पैसा लगाने वालों को हफ्ते भर में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा हुआ है। टाटा ग्रुप की IT कंपनी TCS के शेयर में जोरदार उछाल देखने को मिला और इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 14,08,485.29 करोड़ रुपए हो गया। इस हिसाब से देखें तो कंपनी के शेयर होल्डर्स ने 5 दिनों में 80,828.08 करोड़ रुपए की कमाई की है। वैसे TCS अकेली ऐसी कंपनी नहीं जिसने बीते हफ्ते अपने निवेशकों पर पैसों की बारिश की। हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंफोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी अपने निवेशकों की झोली भरी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 58,258.11 करोड़ रुपए के इजाफे के साथ बढ़कर 6,05,407.43 करोड़ रुपए हो गया है। इंफोसिस का मार्केट कैप 52,770.59 करोड़ रुपए बढ़कर 6,36,630.87 करोड़ रुपए हो गया। इसके अलावा चौथे नंबर पर एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज रही। बीते हफ्ते 5 कारोबारी दिनों में रिलायंस की मार्केट वैल्यू बढ़कर 19,88,741.47 करोड़ रुपए हो गई और कंपनी के निवेशकों ने 54,024.35 करोड़ रुपए की कमाई की। पिछले हफ्ते बाजार में इन 4 कंपनियों के अलावा HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल, ITC और ICICI बैंक भी अपने निवेशकों को मोटी कमाई करवा चुके हैं। HDFC बैंक ने अपने निवेशकों को फायदा कराया है। HDFC बैंक मार्केट कैप 5 दिन में 32,241.67 करोड़ रुपए बढ़कर 11,96,325.52 करोड़ रुपए, जबकि भारतीय एयरटेल का मार्केट कैप 32,080.61 करोड़ रुपए बढ़कर 8,10,416.01 करोड़ रुपए हो गया। ITC के मार्केट कैप में 16,167.71 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ और ये 5,48,204.12 करोड़ रुपए हो गया। वहीं प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक ICICI बैंक की मार्केट वैल्यू 1,745.46 करोड़ रुपए बढ़कर 7,88,975.17 करोड़ रुपए हो गई। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस हफ्ते भी ये सभी कंपनियां अपना जलवा बरकरार रख पाएगी या नहीं। ये खबर हमने आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बिजनेस जगत की ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए पिस्तक के साथ।